गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स तो प्रलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं हम आज जो कि है पी एल आई स्कीम फॉर पी सोलर पी वी मॉड्यूल्स तो जो हमारे सोलर पी वी मॉड्यूल्स होते हैं फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स उसको बनाने के लिए भी अब पी एल आई स्कीम के बेनिफिट्स जो हैं वो मैनुफैक्चरर्स को ऑफर करने शुरू कर रही है गवर्नमेंट तो कैबिनेट ने स्कीम को मंजूरी दे दी है स्कीम का नाम है नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशेंसी सोलर पी वी मोड्यूल्स सो so, इसके लिए 4500 करोड़ का आउटले उन्होंने रखा है तो पी स्कीम बेसिकली होती क्या है आपको पता ही है हमने कई बार उसको पढ़ा है कि इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कैश सब्सिडी के फॉर्म में जितने वो न्यू जो सेल्स करते हैं जो कंपनीज़ जो है मैनुफैक्चर मेड इन इंडिया मैनुफैक्चरड जो है बेसिकली जो गुड्स हैं उसकी जितनी ज़्यादा सेल्स करेंगे इन द नेक्स्ट फाइव ईयर्स ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर उतनी उनको जो है कैश सब्सिडी ज़्यादा मिलेगी अफकोर्स इसके ऊपर एक अपर लिमिट भी होती है कि इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती और अग, और जो है जितने भी टोटल उनका बजट होता है एक सेक्टर के लिए जैसे समझ लो ये सोलर पीवी मॉड्यूल्स के सेक्टर के लिए उनका 500 करोड़ का बजट है ऑफकोर्स डिफरेंट है बजट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ तो जितनी जितनी भी कंपनीज़ ने मैन्युफैक्चरिंग अपनी बढ़ाई और सेल्स की है तो उस उसके अंदर वो उसके प्रपोर्शन के हिसाब से वो जो सब्सिडी है वो, वो बेसिकली जो है ये इंसेंटिव बट जाएगा ठीक है तो ये स्कीम पीएलआई स्कीम जो है ये किसके लिए अवेलेबल होती है जो कंपनीज़ इंडिया में रजिस्टर्ड हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इंडिया में इंडिया में लोकेटेड हैं उन सबको ये स्कीम जो है उन, उनके लिए वो वो सब वो सारी कंपनीज़ जो हैं वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल होती हैं डिटेल्स देखते हैं इसकी अभी हम जो है इम्पोर्टेड सोलर पीवी सेल्स के लिए और उनके मॉड्यूल्स के लिए हम डिपेंडेंट हैं इम्पोर्ट के ऊपर लेकिन इस स्कीम के बाद हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम हो जाएगी और स्ट्रैटेजिक सेक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी के जैसे जैसे स्ट्रेटेजिक uh, सेक्टर में हमारे को आत्मनिर्भरता मिल जाएगी अब होगा क्या इसमें कि जब कंपनीज़ अपना सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे यहाँ पर सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उसके बाद जो उनकी हाई uh, जितनी हाई एफिशिएंसी आएगी सेल्स में उसके बेसिस पर उनको जो है ये बेनिफिट्स उपलब्ध कराए जाएंगे जितनी ज़्यादा हायर एफिशिएंसी होगी सोलर पीवी वी मॉड्यूल्स की उतने ही ज़्यादा और जितना ही वो सोर्स करेंगे अपना मटेरियल डोमेस्टिक मार्केट से उतने ही ज़्यादा जो है उनको रिवॉर्ड दिए जाएंगे पी की अमाउंट जो है वो इंक्रीज होती रहेगी विद इंक्रीज मोड्यूल एफिशिएंसी और इंक्रीज लोकल वैल्यू एडिशन ठीक है तो ये याद रखो सेल्स के जो है हिसाब से जो है आ, उनकी जो है अमाउंट है वो इंक्रीज होगी और जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी और लोकल वैल्यू एडिशन करेंगे उसके बेसिस पे उनकी जो है रिवॉर्ड उनको दिए जाएंगे अभी आउटकम्स देख लेना ये कंक्रीट फॉर्म में उन्होंने बताया कि कितना होगा जैसे दस हज़ार मेगावाट्स कैपेसिटी ऑफ इंटीग्रेटेड सोलर पी वी मैनुफैक्चरिंग प्लांट्स इंडिया में आएंगे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ़ अराउंड सत्रह करोड़ जो है इतने के करीब जो आएगी ये सारे उन्होंने डेटा दिया है आउटकम क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है इससे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर्स तो मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर जो है वो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है न, जो नेफेड का हनी कॉर नेफेड जो है वो हनी कॉर्नर्स को है उसको आ, देखेगा और जो मधु क्रांति पोर्टल है उसको नेशनल बी बोर्ड जो है वो जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है तो मधु क्रांति पोर्टल क्या है नेशनल बी बोर्ड का एक इनि, इनिशिएटिव है और नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के अंदर इसको जो है वो लॉन्च किया गया है अब इस पोर्टल के अंदर क्या है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करी जा रही है सो so दैट जो हनी है वो और उसके जो बी हाई प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ से सोर्स किए जा रहे हैं इसके बारे में जो है जानकारी लोगों को बताई जा सके कंज्यूमर्स को भी और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको टेक्निकल और बैंकिंग पार्टनर इंडियन बैंक था इसका हदर है अब ये कैसे वर्क करेगा एक डेटाबेस बनाया जाएगा सारे स्टेक होल्डर्स का जो हनी और के बिजनेस में है जो प्रोडक्शन से लेके सेल्स है मार्केटिंग चेन तक के उन सब का डेटा बनाया जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जाएगी बी कीपर्स की अभी जो ये लॉन्च किया गया है मधुक्रांति पोर्टल इसमें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जा रही है बी कीपर्स की इसके बाद जो बाकी स्टेक होल्डर्स बचे जो प्रोड्यूस प्रोडक्शन से लेके जो सेल्स से लेके मार्केटिंग चेन तक के उन सबकी भी मार्केट जो है रजिस्ट्रेशन की जाएगी सारी की सारी जो सेल्स ट्रांजेक्शन होगी हनी ट्रेडिंग में वो एक मोबाइल ऐप के थ्रू होएगी और उसके ही बेसिस पे हम जो है सारा डेटा बता पाएंगे कि ये हनी यहाँ से लिया गया है इसको इसने प्रोड्यूस किया है तो इससे क्या होगा कि लोगों में कंज्यूमर्स में एक ट्रस्ट uh, भी बनेगा और लोगों को पता लगेगा कि वो कहाँ का हनी खरीदना चाहते हैं बेनिफिट्स इसके देखते हैं एडल्ट्रेशन ऑफ हनी रुके रुकेगा इससे क्योंकि लोगों को पता लगेगा कि क्वालिटी और सोर्स कहाँ से कहाँ से है हनी का लोगों को सोर्स ऑफ हनी पता लगेगा ऑफ कोर्स नेफेड जो है उसने 14 टू 15 हनी कॉर्नर्स बनाने की ऐसे कोशिश की है बेसिकली हनी कॉर्नर्स क्या हैं कि एक, एक, एक क्लस्टर्स हैं जहाँ से जो है ये हनी प्रोक्योर किया जाएगा ठीक है फिर मार्केटिंग ये एफ़ पी ओज़ जो है हमारे फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन ये हनी कॉर्नर्स में जाके अपने हनी को बेचेंगी और जो है ये मार्केटिंग सपोर्ट मिलेगा हनी के लिए और बी हाई प्रोडक्ट्स के लिए इन, इन, इन आ, हनी कॉर्नर्स में जो एफ पी ओस को और फार्मर्स को जो हनी बिजनेस में है उनको ये सपोर्ट मिलेगा मार्केटिंग सपोर्ट अब ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी मिल जो एम सॉरी एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं मार्केटिंग का और प्रमोशन ऑफ हनी का जो कि एफ पी ओ सप्लाई करते हैं ठीक है अब कैसे होता है मतलब एफ पी ओ फार्मर जो है वो एफ पी का पार्ट होते हैं फार्मर ने जो हनी प्रोड्यूस किया वो एफ जो है सारा इकट्ठा करते हैं फार्मर प्रोड्यूस बहुत सारे फार्मर्स मतलब इकट्ठा करते हैं एफ क्या होते हैं फार्मर जो है उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो फार्मर प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सारा हनी जो है वो प्रोक्योर जो उसने किया है वो जाके इन हनी कॉर्नर्स में बेचती है फिर ये हनी कॉर्नर्स के थ्रू ही जो है सारा आगे आ, मार्केटिंग का जो जो है सप्लाई का चेन चलता है ठीक है अभी ये चौदह से पंद्रह हनी कॉर्नर जो हैं वो नेफेड ने लॉन्च किए हैं लेकिन आने वाले टाइम में और ऑलमोस्ट टू हंड्रेड ऐसे नेफेड स्टोर जो हैं वो आ, बनाने की बात की जा रही है नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन क्या है ये देख लेते हैं फाइव हंड्रेड करोड़ का ये एक नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन लॉन्च किया गया था तीन साल के लिए अंडर दी आत्मनिर्भर भारत स्कीम पैकेज वैन कोरोना पेंडेमिक बॉस Uh, जब लॉकडाउन हटा था ठीक है तो ये प्रमोशन करना और डेवलपमेंट करना साइंटिफिक बी कीपिंग की इसका ये मिशन है स्वीट रेवोल्यूशन लेके आना इंडिया में इंप्लीमेंट किसके थ्रू किया जा रहा है इसको नेशनल बी बोर्ड के थ्रू अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रमोटिंग होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ बी कीपिंग इंडस्ट्री फॉर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर फार्म एंड नॉन फार्म हाउस होल्ड्स नेक्स्ट टॉपिक है लैब ऑन व्हील्स प्रोग्राम तो दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर जो है उन्होंने इसको लैब ऑन व्हील्स प्रोग्राम जो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का है लैब ऑन व्हील्स प्रोग्राम इसको लॉन्च किया है अब इसमें क्या होगा कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो एक बस में ट्रैवल करेंगे और जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंडर प्रिवलेज चिल्ड्रन हैं उनको मैथ्स साइंस या रिसर्च से जो बेसिक रिसर्च से रिलेटेड जो है जो चीज़ें समझाएँगे सो so दैट उनका इंटरेस्ट बने इसमें और वो इस इन uh, फील्ड्स में अपने जो है करियर को आगे ड्रीम करने लगें और आगे अपने आप को इसकी तरफ अट्रैक्ट हो ठीक है इम्पार्ट की जाएगी एजुकेशन इन द फील्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस सो टू मार्जिनलाइज्ड एंड पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोगों को स्टूडेंट्स uh, को अदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग टू स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास वर्क फॉर टेंथ एंड लेवें ट्वेल्थ स्टूडेंट्स टेंथ एंड ट्वेल्थ स्टूडेंट्स एंड थ्री प्रिंटिंग जो ट्रेनिंग ये सब भी दी जाएगी ठीक है तब ये क्या प्रोग्राम होगा ये सब आप देख लेना कि कैसे कौन कौन से स्लॉट में चलेगी बसेज ऑल दैट याद रखने की जरूरत नहीं सिर्फ आपको क्लैरिटी के लिए बताया जा रहा है कि कैसे ऑपरेट किया जाएगा प्राइवेट कार्स कार पब्लिक स्पेसेस तो डेली कोर्ट ने कहा है कि जो प्राइवेट कार में अगर कोई सिंगल इंडिविजुअल भी जो है वो ट्रैवल कर रहा है तो उसको भी मास्क पहनना जो है वो मैंडेटरी है अब ये क्यों किया है क्योंकि डेली गवर्नमेंट के डिसीजन था कि सिंगल पर्सन भी जो अगर ट्रैवल कर रहा है तो उसको भी मास्क पहनना जरूरी है तो उसके अगेंस्ट जो कुछ लोग हैं वो डेली कोर्ट में चले गए थे कि दैट प्राइवेट कार में अगर मैं इंडिविजुअल जो है वो ट्रैवल कर रहा हूँ तो इट इज़ माई प्राइवेट स्पेस एंड मैं प्राइवेट स्पेस में घर में भी अगर बैठा हूँ तो प्राइवेट स्पेस में मास्क तो नहीं पहनता तो आप कार जो है वो प्राइवेट कार वो मेरी प्राइवेट स्पेस है उसके अंदर आप पब्लिक स्पेस वाली जो है रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगा सकते हो ठीक है तो जो है कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया है कि एक पर्सन जो अगर आ, कार में ट्रैवल कर रहा है इवन अकेला भी कर रहा है अगर तो भी वो वायरस को एक्सपोज हो सकता है कैसे हो सकता है देखते हैं कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया है ये कि अगर एक पर्सन जो है उसको अपनी विंडोज़ को फॉर द पर्पज़ ऑफ वेंटिलेशन जो है वो ओपन करना पड़ रहा है तो वो बाहर के जो है एयर को एक्सपोज हो रहा है कभी वो बाहर रुकेगा किसी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकेगा कुछ ना किसी वेंडर से कुछ प्रोडक्ट लेगा आ, स्ट्रीट साइड वेंडर से तो वो वायरस को एक्सपोज़ हो सकता है फिर उन्होंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन अपनी फैमिली को समझ लो एयरपोर्ट छोड़ के आया हो और उसके बाद वो वापस आते हुए वो कार में अलोन हो तो क्या उसको मास्क तब नहीं पहनना चाहिए हो सकता है जब वो अपनी फैमिली को जो इसको या किसी भी पर्सन को वो लिफ्ट देके अगर वो एयरपोर्ट तक छोड़ के गया है या कहीं भी छोड़ के आया तो हो सकता है कि वो उनमें से कोई एक कोरोना एक्सपोज हो और फिर जब वो वापस आ रहा है तब तक जो उसके एरोसोल्स हैं वो कार के अंदर फैल चुके और उसने मास्क जैसी उतारा है तो वो एक्सपोज हो सकता है उसको फिर उन्होंने बोला कि ऐसा भी हो सकता है कि जो पर्सन जो है जो कार चला रहा है वो आगे जा रहा है अपनी फ़ैमिली को कहीं से पिकअप करने और वो खुद पर्सन जो है वो कोरोना एक्सपो एक्सपोज है ठीक है तो वो उसने मास्क तो पहना नहीं हुआ तो वो जब ब्रीद करेगा तो हो सकता है उसके जो आ, एरोसोल्स हैं वो या उसके जो पार्टिकल्स हैं जो ड्रॉपलेट्स हैं वो उसकी कार के अंदर फैल जाएं और जब वो जब उसकी फैमिली जब उसके अंदर आके बैठेगी तो वो एक्सपोज हो सकती है उस कार से ठीक है तो कोरोना को फैलने का जो है वो एक मीडियम बन सकता है ये सिंगल पर्सन ड्राइविंग कार विदाउट अ मास्क ठीक है तो अब उन्होंने बोला है कि जो प्राइवेट कार है उसको पब्लिक स्पेस कैसे माना जा सकता है तो उसके उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है कि पब्लिक स्पेस जो है उसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है पब्लिक स्पेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टैच्यूट्स में डिफरेंट डिफरेंट लॉज में अलग अलग डेफिनेशन रखती है पब्लिक स्पेस का मीनिंग अलग अलग डेफिनेशन के साथ आता है तो उन्होंने बोला है कि पब्लिक स्पेस की जो जो डेफिनेशन है वो इस कन्टेक्सट में हम जो है वो कोविड uh, नाइन्टीन के पेंडेमिक के कंटेक्सट में लेंगे और इसलिए जो है सूटेबली उसको हमने सिचुएशन uh, के हिसाब से उसको हमने इस बार एक्सेप्ट किया है कि पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है और पब्लिक स्पेस क्या नहीं होती है फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया और उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट सुप्रीम कोर्ट वाइल डिस्कसिंग द स्कोप ऑफ द टर्म हैज़ हेल्ड दैट फॉर अ प्लेस टू फॉल विद इन द प्रव्यू ऑफ दिस टर्म पब्लिक प्रॉपर्टी की uh, जो है uh, टर्म में आने के लिए एक प्लेस को अगर पब्लिक प्रॉपर्टी कहा जाना है तो इट नीड नॉट भी पब्लिक प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि वो पब्लिक की ही एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी हम पब्लिक स्पेस मान सकते हैं अगर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो पब्लिक को एक्सेसिबल है ठीक है तो इस कार के कंटेक्सट में ये पॉसिबल है कि वैसे तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसको प्राइवेट स्पेस माना जाना चाहिए लेकिन क्योंकि वो जो कार जो वो प्राइवेट स्पेस है वो पब्लिक को एक्सेसिबल है स्ट्रीट वेंडर्स आ सकते हैं आपकी कार में आपको कुछ बेचने ट्रैफिक सिग्नल पे रुके हो आपने कार को का जो है वो शीशा नीचे की है और आसपास जो है सब ने अगर शीशा नीचे की हुआ है तो आपकी जो वो ट्रेस पास हो रहा है सब कुछ आप जो है एक दूसरे से बात भी कर सकते हो इवन तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहती है ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया रशिया फॉरेन मिनिस्टर स्टॉक तो ये टॉपिक टौ क्यों कवर किया है जनरली इसको नहीं कवर करना चाहिए था बट इसलिए कवर किया है क्योंकि इसमें रशिया का स्टैंड पता लग रहा है हमको अफगानिस्तान के इशू के ऊपर इसीलिए इसको हमने कवर किया है इस टॉपिक को ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इंडिया और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स की टॉक हुई है तो उन्होंने देखा है उन्होंने क्या कहा है रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने क्या बोला है कि अफगान सिविल वॉर जो है उसमें एथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स जो हैं उन दोनों के इंटरेस्ट को हमको साथ में रखना पड़ेगा और कोई भी ग्रुप लेफ्ट आउट फील नहीं करना चाहिए फ्रॉम द फाइनल सेटलमेंट स्टेबिलिटी और कनेक्टिविटी इन द रीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और कोई मिलिट्री अलायंस जो है वो एशिया में नहीं आने चाहिए अभी इसके बारे में भी, भी हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्यों बोला है फिर उन्होंने बोला है कि तालिबान मूवमेंट जो है उसको आप एक्सक्लूसिव एक्सक्लूजन uh, के उसमें फॉर्मेट में मत देखो वो भी एक अफगान सोसाइटी का ही पार्ट है फिर उन्होंने बोला कि सारे पॉलिटिकल एथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स जो है उन सबको हमको पार्टिसिपेशन कराना पड़ेगा फाइनल सेटलमेंट में सो so दैट जो सोल्यूशन है वो स्टेबल रहे बाद में अगर कोई भी एक ग्रुप ये बोलेगा कि मुझे इसमें पार्टिसिपेशन नहीं मिली तो देर इज़ अ चांस कि ये अफग़ानिस्तान में कन्फ्लिक्ट दोबारा रिवाइव हो जाए इसलिए उन्होंने बोला है कि जो है एक सस्टेनेबल एग्रीमेंट करने के लिए और हॉस्टिलिटीज़ को दोबारा रिज्यूम होने से बचाने के लिए हमको सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना पड़ेगा तो ये सारा जितनी भी उन्होंने चीज़ें बोली हैं इस सब का मीनिंग क्या है तालिबान को वो लेजिटिमाइज़ करना चाहते हैं कि तालिबान जो है वो एक बहुत बड़ा पार्ट है और जितने भी वहाँ पर जो इवन जो टेररिस्ट ग्रुप्स भी हैं जो कि एथनिक ग्रुप्स की, की चादर ओढ़ कर जो काम कर रहे हैं वो सब भी जो है वो तालिब वो अफगानिस्तान की सोसाइटी uh, का पार्ट है तो उन सब को लेजिटिमाइज़ कर रही है स्टेटमेंट कि यू हैव टू टॉक टू ऑल रिलीजियस एंड एथनिक ग्रुप्स बिफोर अराइविंग एट अ फाइनल सेटलमेंट अब इसमें इंडियन जो हमारे ई एम है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उन्होंने क्या बोला है उनकी स्टेटमेंट देखो कितनी ज़्यादा बैलेंस्ड है और किस तरफ इशारा कर रही है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि वी नीड टू हार्मोनाइज द इंटरेस्ट्स ऑफ़ वेरियस स्टेक होल्डर्स उन्होंने बोला है कि हमको सबको इंटरेस्ट जो है वो सबको मिलाना पड़ेगा एक अच्छे फॉर्मेट में हम सबको हमको सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को मिलाना पड़ेगा मतलब गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान तालिबान हो चाहे या कोई भी और ग्रुप हो उन सब के इंटरेस्ट जब तक मिलेंगे नहीं जब तक तब तक कोई सोल्यूशन परमानेंट जो है वो अफगानिस्तान में हम नहीं देख सकते फिर उन्होंने बोला है कि पीस प्रोसेस जो है वो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स जो हम सब लोग अब सब्सक्राइब करते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए अब वो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं इंडिपेंडेंट सोवरन यूनाइटेड एंड डेमोक्रेटिक अफगानिस्तान मतलब कि ये जो फ़ाउंडेशनल प्रिंसिपल्स जिस पर अभी करंट अफगानिस्तान स्टैंड करता है वो बिल्कुल भी हिलने नहीं चाहिए किसी भी पीस डील के मुताबिक ठीक है कि इंडिपेंडेंट रहे अफगानिस्तान सोवरन रहे यूनाइटेड रहे और डेमोक्रेटिक भी रहे ठीक है तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को तालिबान आया और उसकी डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया एक अपना रूल चलाना शुरू कर दिया तो जो है इंडिया ने फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस रखा है तो इंडिया की स्टेटमेंट इज़ वेरी इंक्लूसिव और जो है आ, रशियन स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली तालिबान को लजिस्टमाइज करने के लिए पूरा का पूरे स्टेटमेंट को मैनिपुलेट किया गया है दीज प्लेटिट्यूड्स आर बेसिकली आर सिग्नलिंग दैट रशिया वॉन्ट्स टू बी एन अपोलॉजिस्ट फॉर तालिबान ठीक है और क्या डिस्कस किया गया इसमें एस फोर हंड्रेड मिसाइल के डिफ़ेंस सिस्टम के ऊपर जो हमारे जो कार्ड्स हैं सैक्शन लग सकते हैं यूएस के हमने ये सोचा था कि उस पर भी डिस्कशन होगी बट जो है रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि हमने कोई स्पेसिफिक इशू को डिस्कस नहीं किया है लेकिन हाँ उन्होंने ये माना है कि यूएस जो है वो जितने भी जो कंट्रीज़ हैं जिसके साथ रशिया जो है कोई मिलिट्री uh, या फिर इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करता है उनके ऊपर किसी न किसी फॉर्म ऑफ प्रेशर करते हैं कि आप रशिया के साथ डील मत करो ठीक है तो उन्होंने ये इसी लाइन में ही इशारा कर दिया कि एस फोर मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर उनका क्या व्यू है फिर उन्होंने बोला है कि एशियन नाटो या फिर मिडल ईस्ट नाटो जैसी कोई चीज़ नहीं होती जबकि उन्होंने जो सुनी है और वो इसमें बिलीव नहीं करते क्योंकि रशिया जो है वो किसी भी मिलिट्री अलायंस सिस्टम में बिलीव नहीं करता है तो उन्होंने इंडिया को एक सिग्नल दिया है कि एशियन नाटो क्या है क्वाड को कहा जा रहा है एशियन नाटो अफकोर्स इट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ नाटो बट क्वाड को ये कहा जा रहा है तो इसलिए उन्होंने बोला है एक तरह से इंडिया को सिग्नल दिया है कि क्वाड जो है वो उसको मिलिट्री अलायंस बनने नहीं देना चाहिए इंडिया को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अभी नेटो क्या है यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने नैटो को बोला है कि अब जल्दी से जल्दी हमारी कंट्री की मेंबरशिप को आप अप्रूव करो आ, हमको अलायंस में पाट मेम्बर बनने दो क्यों ये इशू हो रहा है क्योंकि देर आर फेयर्स की बहुत मेजर एस्केलेशन हो सकती है ईस्टर्न यूक्रेन में जो डॉनबास और लुहानस्क रीजन का जो के जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर रशिया जहाँ पर रशियन स्पीकिंग पीपल ज़्यादा हैं वहाँ पर 2014 से जो है वहाँ पर सेपरेटिस्ट जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि वो रशिया के साथ हैं या वो एक शे एक फेयर शेयर ऑफ टेरिटरी चाहते हैं एक रशिया ने वहाँ पर क्रीमियन पेनिनसुला को भी अनेक्स कर लिया था 2014 में तो तब से वहाँ पर जो है वो अंदर जो है इंटरनल कन्फ्लिक्स चल रहे हैं और रशिया जो है वो वहाँ पर जो है बहुत से मिलिट्री पर्सोनल लगा दिए थे उन्होंने अपने नदन और ईस्टर्न बॉर्डर्स में अगेंस्ट यूक्रेन तो वो रशिया का ही एक तरह से थ्रेट दिखा के यूक्रेनियन प्रेजिडेंट जो है वो कह रहे हैं कि हमारे को जल्दी से जल्दी नैटो में जो है वो इंक्लूड करो अब नैटो क्या है एक नॉ इसको हम नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहते हैं ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जिसको जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जिसको वाशिंगटन ट्रीटी भी कहा जाता है 1949 में साइन की गई थी उसके बेसिस पर इसको बनाया गया तो ये बेसिकली क्यों बनाया गया था कि यूएस US और यूएसएसआर की जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो वेस्टर्न यूरोप को एक कलेक्टिव सिक्योरिटी देने के लिए ये नैटो अलायंस बनाया गया था अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कलेक्टिव डिफेंस पे चलता है कलेक्टिव डिफेंस मतलब सबका हमको डिफेंस करना है जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उन सबको हमको डिफेंस करना है एक दूसरे म्यूचुअल डिफेंस के बेसिस पर इसको चलाया जाता है कि कोई भी एक नॉन मेंबर एक्सटर्नल पार्टी अगर अटैक करती है तो उसके बेसिस पे जो है जो नेटो है वो कैसे एक्शन लेगा हेड हेडक्वाटर्स इसका जर्मन एम सॉरी ब्रसल्स बेल्जियम में है ठीक है और इसका एक बहुत फेमस है आर्टिकल फाइव जिसमें क्या होता है कि अगर किसी भी आप नैटो के एक भी मेंबर स्टेट के ऊपर अगर आप अटैक करते हो ठीक है तो ये कंसीडर किया जाएगा कि आपने सारे मेंबर स्टेट्स के ऊपर अटैक किया है और सारे मेंबर स्टेट्स फिर जो है जो है आपके ऊपर अटैक करेंगे ठीक है तो यही आर्टिकल फाइव है कि कोई भी एक मेंबर स्टेट कह सकती है कि ये मेरे ऊपर अटैक किया गया और मैं आर्टिकल फ़ाइव को इन्वोक कर रही हूँ तो बाकी जितने भी मेम्बर स्टेट्स हैं नैटो के वो ऑब्लाइज हैं उनका उन उस मेंबर स्टेट का साथ देने के लिए और उनको ऐसे जो है वो अटैक करना पड़ेगा कि जैसे उनके ऊपर खुद के ऊपर अटैक हुआ हो ठीक है ये पूरे वेस्टर्न यूरोप को एक तरह से न्यूक्लियर अम्ब्रेला ऑफ यू एस के अंडर डालता है ये आर्टिकल फाइव ठीक है उसमें कोई भी कभी भी कोई अटैक हुआ वेस्टर्न यूरोप की किसी भी कंट्री पे तो यू एस ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली जो है वो उसमें जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा आज तक सिर्फ एक ही बार आर्टिकल फ़ाइव को इन्वोक किया गया जब नाइन इलेवन अटैक्स हुए थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे यू एस पे तब यू एस ने इसको इन्वोक किया था आर्टिकल फ़ाइव को तब जो है सेप्टेम्बर नाइन इलेवन से नेक्स्ट डे ही आर्टिकल फाइव को इन्वोक किया गया और उसका ही यूज़ करके जो है अफगानिस्तान में इन्वेजन की गई बाई अमेरिकन एंड नेटो फोर्सेज ठीक है सो दीज वर आर टॉपिक्स फॉर टुडे वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स अंटिल दैन गुड बाय एंड टेक केयर